हेलो। तो स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज हम सीखने वाले हैं सम फंक्शन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए कुछ यहाँ पे टेबल ले रखे हैं, छोटे छोटे टेबल्स। तो हम आज इनका यहाँ पे सम करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो वैल्यू है, 23 एंड 34। अब हमको क्या करना है, इसका यहाँ पे प्लस करना है। कहाँ पे? यहाँ पे। अब हमारे पास एक तरीका तो क्या रहता है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे फोकस रखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जो तरीका रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे। और इक्वल टू करने के बाद सबसे पहले कोई भी, अगर कोई भी हमको फंक्शन लगाना हो एक्सेल में, कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन हमको एक्सेल में लगाना है तो इक्वल टू लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, इक्वल टू लगा लिया। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इस वाले सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस सेल का एड्रेस क्या था, D4। तो यहाँ पे D4 अपने आप आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दूंगा और उसके बाद किसको कर दूंगा, इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। D5 अपने आप सिलेक्ट हो गया। जैसे ही मैं कर दूंगा इसको एंटर, तो अपना रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए क्या रिजल्ट आ गया, 57, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक तो ये वाला तरीका है किस चीज का, अपना सम निकालने का, ठीक है। तो एक और तरीका हमारे पास है, वो तरीका हमारे पास क्या रहता है, वो तरीका हमारे पास रहता है, अब देखिए यहाँ पे आप फोकस रखिएगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ। अब एक तरीका यहाँ पे रहता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते थे। कोई भी अगर फंक्शन हमको स्टार्ट करना है, इक्वल टू लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी, सबसे पहले हम सम लगा देंगे। सम फंक्शन लगाना, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ फिर से। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सम फंक्शन लगा दिया, SUM। सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वल टू लगाया और सम फंक्शन लगा दिया। सम फंक्शन लगाने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पे टैब प्रेस कर लिया तो अपने आप यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट ओपन हो गया। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, जितने भी नंबर है आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने क्या कर दिया, ये वाली रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर, ठीक है। एंड मैंने क्या कर दिया, अपना ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आया 57, यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आया 57, ठीक है। अब इसका फायदा क्या रहेगा, फायदा ये रहता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करूं, मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया, एंटर कर लिया, तो अपने आप यहाँ पे चेंजेस हो गया। मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 233 कर देता हूँ, एंटर कर लेता हूँ, अपने आप यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अब तीसरे बॉक्स में चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं सेम फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ सम का। टैब से फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लिया एंड एंटर कर लिया, मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं एक और तरीका आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ये कर लिया, अब मुझे सम करना है तो 56 का मुझे सम करना है, और मुझे किसका सम करना है, और मुझे 43 का सम करना है, और मुझे किसका सम करना है, 57 का सम करना है ना, जो यहाँ पे है। अब देखिए जरूरी नहीं कि एक ही लाइन में आए, कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे इन दो का मैंने सम किया और प्लस इसका मैंने सम किया और मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। अब यहाँ पे कितना आया रिजल्ट, 156। अब देखिए यहाँ पे भी मैं अगर चेंज करता हूँ, 23 की जगह मैं यहाँ पे अगर 150 लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 150 लिखता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 150 लिखता हूँ तो इसका रिजल्ट भी चेंज होगा। अगर ये चेंज हो गया तो अपने आप ये भी चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे मैं मारता हूँ एंटर, जैसे मैंने एंटर मारा तो अपने आप ये भी चेंज हो गया, अगर ये चेंज हो गया तो ये भी अपने आप ही चेंज हो गया, है ना। तो ये तरीका है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 200 डाल देता हूँ वैल्यू, तो अपने आप ये भी चेंज हो गया और अपने आप ये भी चेंज हो गया, है ना। तो ये था हमारा सम फंक्शन। मैं आपको एक और बता देता हूँ फिर से, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 45, यहाँ पे ले लेते हैं 34, यहाँ पे ले लेते हैं 56 एंड यहाँ पे ले लेते हैं 67, ठीक है। अब इसका हमको सम कहाँ पे करना है, मान लीजिए इन सब का जो सम है, इन सब का सम मुझे कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। ऐसा भी हो सकता है, कहीं पे भी हम किसी का सम कर सकते हैं।
मुझे इन चार वैल्यू का सम कहां पे करना है, यहां पे करना है। कैसे करूंगा? सिंपल, एक तो ये फंक्शन है, सम लगाया मैंने और यहाँ पे रेंज अपनी सिलेक्ट कर ली एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, और इन सब का रिजल्ट कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक और तरीका क्या हो सकता है, अब यहाँ पे देखिए, इक्वल टू कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया प्लस इसको सिलेक्ट कर लिया प्लस इसको सिलेक्ट कर लिया प्लस इसको सिलेक्ट कर लिया एंड एंटर, रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 133 करूंगा, देखिए चेंजेस आ गई, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सम फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो यही था सम फंक्शन का ट्यूटोरियल आज। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।